एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आइसोबार्स। सो इन द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड आइसोटोप्स। और आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स सेम ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिनके मास नंबर्स डिफरेंट हों। सो इट इज हावेवर आल्सो पॉसिबल दैट इन सम केसेस जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं उनके मास नंबर्स सेम हों, एंड सच एटम्स आर कॉल्ड आइसोबार। मतलब ऐसे एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट हो बट उनके मास नंबर सेम हो उनको क्या कहा जाता है? आइसोबार। सो दिस वर्ड आइसोबार हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड जिसका मीनिंग होता है इक्वली हैवी। इसका मतलब होता है इक्वली हैवी, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स के ऐसे एटम्स जो इक्वली हैवी होते हैं जिनका मास इक्वल होता है उनको क्या कहा जाता है? आइसोबार्स। तो आइसोबार्स की डेफिनेशन हम लिखेंगे अब। आइसोबार्स कैन बी डिफाइंड एज the atoms of different elements having different atomic number एटॉमिक नंबर बट द सेम मास नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स। तो ऐसे एटम्स कौन कौन से होंगे जिनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो लेकिन उनके मास नंबर सेम हो? तो इसका एग्जांपल होता है आर्गन एंड कैल्शियम। आर्गन एलिमेंट जो होता है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 18, बट उसका मास नंबर जो होता है वो 40 होता है। आर्गन एटॉमिक नंबर होता है 18 एंड इट हैज मास नंबर 40, एंड कैल्शियम जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 20 एंड मास नंबर होता है 40। तो ये क्योंकि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स हैं तो इसमें जाहिर सी बात है इनके एटॉमिक नंबर क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, जो कि डिफरेंट है 18 एंड 20। बट लुक एट द मास नंबर, इनके मास नंबर जो है वो सेम है। और हम ये जानते हैं किसी भी एलिमेंट के सिंबल के साथ जो अपर लेफ्ट हैंड साइड में नंबर लिखा होता है वो क्या होता है? उसका मास नंबर, और लोअर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ नंबर उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो इन दोनों के मास नंबर क्या है? 40 40 हैं रिस्पेक्टिवली। इसलिए ये क्या है? दीज टू आर आइसो बार्स। तो इनका न्यूक्लियर कॉम्पोजिशन कैसा होगा? लेट अस सी। न्यूक्लियर कंपोजिशन मतलब इनके न्यूक्लियस में प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कैसे होंगे। सो आइसोबार एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड एटॉमिक मास, सॉरी मास नंबर। आइसोबार कौन कौन से हैं? आर्गन एंड कैल्शियम। तो इन दोनों के एटॉमिक नंबर क्या है? इसका तो आर्गन का है 18 और कैल्शियम का होता है 20। अब जितने इनके एटॉमिक नंबर है वही क्या होंगे? इनके न्यूक्लियस में प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो इनमें हो गए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 18 एंड 20, ठीक है, इसी के इक्वल होंगे।
अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैसे पता करेंगे कि इसका जो मास नंबर है उसमें से अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस कर दिए जाए तो हमें मिल जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो मास नंबर है 40 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 18, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे 40 माइनस 18 22। और ऐसे ही इस वाले एटम के लिए कैल्शियम के लिए मास नंबर है 40 और उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 20, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए 20 और इनके मास नंबर है 40। तो यहां पर देखिए इनमें प्रेजेंट नंबर ऑफ क्या है प्रोटॉन्स अलग अलग हैं और इनके मास नंबर्स सेम हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे एटम्स जिनके न्यूक्लियाई में प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो डिफरेंट हो बट उनके जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोन्स होते हैं वो सेम हो उनको क्या कहा जाता है आइसोबार्स। इसका एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि जो एटम्स होते हैं, ये तो फर्स्ट एग्जांपल था, सेकंड एग्जांपल सोडियम और मैग्नीशियम। तो सोडियम क्या होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 एंड मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। लेकिन सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है 23, बट हम ये जानते हैं कि सोडियम का एक आइसोटोप होता है 24 मास वाला। तो 11 Na 24 एंड 12 Mg 24, ये दोनों क्या है, ये भी आइसोटोप आइसोबार है। ये जो सोडियम का आइसोटोप है 24 मास नंबर वाला और मैग्नीशियम जो है एलिमेंट, इन दोनों के मास नंबर क्या है 24 एंड 24 है एंड इनके एटॉमिक नंबर अलग अलग है 11 एंड 12। तो ये दोनों भी क्या हो गए, ये दोनों भी दीज टू आर आइसोबार्स, ये दोनों भी आइसोबार्स हैं सिंस दे हैव सेम मास नंबर दैट इज 24 बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। अब इनका न्यूक्लियर कंपोजिशन कैसा होगा सोडियम एंड मैग्नीशियम का, न्यूक्लियर कंपोजिशन ये आपको खुद कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब एक और टर्म होती है, ये तो थे आइसोबार्स, अब एक और टर्म होती है आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप और आइसोबार तो हम डिस्कस कर चुके हैं। आइसोटोप्स तो सेम ही एलिमेंट के डिफरेंट मास नंबर वाले एटम्स होते हैं, बल्कि जो आइसोबार होते हैं ये डिफरेंट एलिमेंट्स के सेम मास नंबर वाले एटम्स होते हैं। अब आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट मास नंबर वाले ऐसे एटम्स होते हैं जिनमें प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो। सो आइसोटोन क्या हो गए, आइसोटोन्स the atoms of different elements having different mass number different mass numbers but the same number of neutrons in their nuclei। मतलब ऐसे atoms अलग अलग elements के जिनके nucleus में present number of neutrons क्या होंगे same होंगे उनको कहा जाएगा आइसोटोप्स। तो इसके एग्जांपल क्या होंगे,
For example, phosphorus and sulfur, 16 and 32. तो ये आइसोटोन्स कैसे हुए? आर आइसोटोन्स. आइसोटोन कैसे हैं ये? तो इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर देखिए आप. इन दोनों के एटॉमिक नंबर अलग अलग हैं, 15 एंड 16. एंड मास नंबर क्या है? मास नंबर भी अलग अलग है, 31 एंड 32. नाउ हमें आइसोटोन्स पता करने हैं, तो हमें क्या पता करना होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट कर लिए जाएंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर. तो फॉस्फोरस के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे? इसका मास नंबर है 31 एंड एटॉमिक नंबर है 15. तो इसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 16. नाउ लेट अस सी द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन सल्फर एटम. अब सल्फर एटम के लिए मास नंबर की वैल्यू है 32 एंड इसका एटॉमिक नंबर है 16. जब 32 में से 16 माइनस करेंगे तो क्या नंबर आएगा? 16. तो यहां से ये क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि ये जो फॉस्फोरस एंड सल्फर, ये जो दोनों एटम हैं, इनके न्यूक्लियाई में प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल हैं, जो कि कितने हैं? 16 एंड 16. इसीलिए ये क्या है? ये दोनों आइसोटोन्स हैं. तो ये थे आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स. अब इन पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं? आपको कुछ एलिमेंट्स के एटम्स गिवन होंगे उनके एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर के साथ. आपको उनमें से पहचानना है कि कौन से एटम्स आइसोटोप्स हैं या कौन से एटम्स आइसोबार्स हैं. तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं. So we have given four atoms and हमें पता करना है उनमें से isotopes कौन कौन से हैं and isobars कौन कौन से हैं. So question is, find isotopes and isobars among the following. तो कौन कौन से एलिमेंट्स हमको गिवन है? हमें गिवन है एक्स 90, 231. एक एलिमेंट है वाई 91, 230. एक गिवन है जी 88, 230. And the last one is X 90 and 233. ठीक है, ये चार एलिमेंट्स के एटम्स हमें गिवन है. अब हमें क्या पता करना है? हम पहले आइसोटॉप्स देखते हैं. तो आइसोटॉप्स हमें पता है क्या होते हैं? आइसोटॉप्स ऐसे एटम्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट उनकी मास नंबर अलग अलग हो. तो इन चारों में से आपको कौन से ऐसे एटम्स दिख रहे हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो और उनके मास नंबर्स डिफरेंट हो? सो लुक एट दिस एटम. इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 90 एंड इसका मास नंबर है 231. तो अब इनमें से कौन से एटम में एटॉमिक नंबर 90 है बट उसका मास नंबर 231 नहीं हो, अलग हो? इसका नहीं है तो ये नहीं होगा आइसोटॉप. इसका भी नहीं है, इसका 88 है, अलग है. इसका नंबर देखिए आप, एटॉमिक नंबर. इसका एटॉमिक नंबर 90 है एंड इसका मास नंबर भी क्या है? अलग है, जो कि है 233. दैट मींस ये दोनों एटम्स क्या हो गए? ये दोनों आइसोटॉप्स हैं.
क्या आंसर हो जाएगा? 90x231 एंड 90x233 आर आइसोटॉप्स बिकॉज देयर एटॉमिक नंबर आर सेम. Atomic number, or we can say the number of protons, are same. That is 90, but they have different mass numbers, which are 231. And 233 respectively. ठीक है, तो इस तरह से हम आइसोटॉप्स पहचान लेंगे. ये दोनों आइसोटॉप हैं. अब हमें क्या पता करना है आइसोबार्स कौन कौन से एटम्स हैं. तो 90 और 91, इन दोनों को देखिए. इन दोनों के एटॉमिक नंबर अलग अलग हैं, फर्स्ट एंड सेकंड वाले के, बट इनके मास नंबर भी क्या हैं? अलग अलग हैं. और आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स ऐसे एटम्स होते हैं जिनके मास नंबर्स तो सेम हो लेकिन इनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो. तो उनके, इन दोनों के एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है बट इनके मास नंबर भी क्या है? डिफरेंट है. तो ये क्या होंगे? ये आइसोबार्स नहीं हो सकते. अब इन दोनों को देखिए, वाई एंड जी को. वाई वाले एटम में एटॉमिक नंबर है 91 एंड इसका मास नंबर है 230. Z वाले एटम का एटॉमिक नंबर है 88 एंड इसका मास नंबर है 230. मतलब इन दोनों के एटॉमिक नंबर तो क्या हो गए? अलग अलग हो गए. एंड इनके मास नंबर इक्वल हैं. दैट मींस ये Y एंड Z एटम, ये दोनों क्या हैं? आइसोबार्स. सो Y 91 एंड 230 एंड Z 88 and 230 are isobars since they have different atomic numbers. Atomic numbers, but their mass numbers, or we can say the total number of nucleons, are the same. इसलिए ये क्या है? आइसोबार्स. तो इस तरह से आपको आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स की पहचान करनी. सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आइसोबार्स क्या होते हैं. हमने एक और टॉपिक डिस्कस किया था आइसोटोन्स. तो आइसोबार्स तो क्या होते हैं? डिफरेंट एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिनके मास नंबर क्या होते हैं? सेम होते हैं. या हम कहें डिफरेंट एलिमेंट्स के ऐसे एटम्स जो इक्वली हैवी हैं उनको कहा जाता है आइसोबार्स. एंड आइसोटोन्स क्या होते हैं? डिफरेंट एलिमेंट्स के ऐसे एटम्स जिनके मास नंबर भी डिफरेंट हो बट उनके न्यूक्लियाई में प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल हो, उनको क्या कहा जाएगा? आइसोटॉप्स. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एलिमेंट्री ज्ञान. थैंक यू.